हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों एक बार फिर स्वागत है टेक सिविल साइट सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, इंटरव्यू में पूछा जाने वाला एक खास टॉपिक क्या है, कंक्रीट क्यूब टेस्ट। हम जो कंक्रीट क्यूब टेस्ट करते हैं इसका फार्मूला क्या है, इसको कैसे निकालते हैं, ये जानना बेहद ही जरूरी है एक सिविल इंजीनियर के लिए। ठीक है दोस्तों, तो बन रहे दोस्तों वीडियो में लास्ट तक। वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने जो यहाँ लिखा है शुरू में, 1 किलो न्यूटन बराबर होता है 1000 न्यूटन। 1 किलो न्यूटन 1000 न्यूटन के बराबर होता है, ये मैंने क्यों लिखा है, इसका एक रीजन है। देखिए अपने पास एक मशीन है, ठीक है दोस्तों, ये क्या है, एक मशीन है। यहाँ इसमें क्यूब रख करके हम टेस्टिंग करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये क्यूब एरिया हो गया, ये क्या हो गया, क्यूब एरिया, जिसमें हम क्यूब रखते हैं यहाँ पर। यहाँ इसमें दोस्तों एक मीटर लगा होता है, इसमें लिखा होता के एन, क्या लिखा होता है इसमें, के एन लिखा होता है इसमें, ठीक है दोस्तों। ये रॉड होती है अपनी, इसमें और लिखा होता है के एन। मशीन का नाम होता है कंप्रेसिव क्यूब टेस्टिंग मशीन, टेस्टिंग मशीन, कंप्रेसिव क्यूब टेस्टिंग मशीन, ठीक है दोस्तों। तो ये जो इसका मीटर होता है, इसमें जो वैल्यू होती है वो किलो न्यूटन में होती है, ठीक है दोस्तों। तो हमें जब निकालना है तो हमें वैल्यू चाहिए न्यूटन में, क्योंकि हमारी जो वैल्यू निकलती है, जैसे यहाँ आप देख रहे हो 17.77 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ये वैल्यू हमें न्यूटन में मिलेगी, हमें किलो न्यूटन में नहीं निकालनी, हमें चलना है मशीन के सिस्टम से, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 1 के n बराबर हो गया 1000 न्यूटन। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है, फॉर्मूला, ये अपना फॉर्मूला है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, लोड इन न्यूटन, हम लोड न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे। आपने देख लिया 1 के n बराबर 1000 न्यूटन होता, एरिया ऑफ ए क्यूब इन पर एमएम स्क्वायर। देखिए ये अपना एक क्यूब है, ये अपना क्या है, एक ये अपना क्यूब हो गया, ठीक है दोस्तों, ये अपना क्या हो गया, एक क्यूब हो गया। इसकी जो डायमेंशन होती है दोस्तों वो होती है 150 mm, इधर से ये होगी 150 mm। ये हमें निकालना है स्क्वायर एमएम में, स्क्वायर एमएम, इसकी जो वैल्यू होती है स्क्वायर एमएम, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आप लोड ऑब्टेंड फ्रॉम मशीन, लोड जो हमने प्राप्त किया मशीन से, मान के चलो आपने क्यूब टेस्ट किया, उसका आया 400 kN, कितना आया 400 kN। अब हमें फार्मूला के हिसाब से निकालने के लिए लोड को न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए लोड इन न्यूटन 400 न्यूटन, 400 kN इन टू 1000। 1000 से हम किस लिए गुना कर रहे हैं, क्योंकि 1 किलो न्यूटन में 1000 न्यूटन होता है, ठीक है। तो यहाँ अपना जो निकल गया है ये 400000 न्यूटन आ गया, इकाई दहाई सैकड़ा, 1000 1000 लाख, 400000, ये अपना न्यूटन आ गया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे एरिया ऑफ ए क्यूब पर एमएम स्क्वायर का कितना है, 150 × 150 स्क्वायर हम निकालते हैं। देखो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें सिर्फ 2 भुजा की जरूरत होती है, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है दोस्तों। उसी तरीके से निकला हुआ है 150 × 150 22500। अब देखिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये वैल्यू हमें मिल गई, एरिया ऑफ ए क्यूब और लोड इन न्यूटन में मिल गया, भाग कर देंगे, सिंपल सा है, 400000 / 22500, 2 जीरो से 2 जीरो माइनस कर दिया, ये इससे आप ये भाग दोगे तो 17.77 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आएगा, ठीक है दोस्तों। ये सिंपल सा फार्मूला है और इसमें कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ आपको ये पता होनी चाहिए कि 1 day, 3 day, 7 day, 14 day, 28 days के कंक्रीट क्यूब से स्ट्रेंथ कितनी होगी, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है। अगर आपको ऐसी ही जानकारी की वीडियो और सिविल से रिलेटेड चाहिए तो मेरे ही चैनल पर कम से कम 130-140 आसपास टेक्निकल वीडियो डली हुई हैं, वहाँ आप जा करके ऐसी वीडियो देख सकते हैं और अपने नॉलेज ग्रो कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।